लाजमी थाना अंतर्गत पहुना गांव में धार्मिक जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच पथराव के बाद आज हालत नियंत्रण में है। अब तक मामले में पुलिस द्वारा 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। एक व्यक्ति की मौत की सूचना थी। प्रशासन द्वारा स्पष्टीकरण जारी करते हुए मौत की वजह हार्ट अटैक होना बताया गया है। फिलहाल कस्बे में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी मौके पर डटे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे में मंगलवार रात बड़े मंदिर में जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के दरगाह के बाहर से निकलने के दौरान समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने साउंड का हवाला देकर जुलूस को रोकने की कोशिश की और पथराव कर दिया, जिससे माहौल खराब हो गया। इस दौरान समुदाय विशेष के युवाओं द्वारा रतन जी नगर की पिटाई कर दी गई, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद भिलवाड़ा रेफर कर दिया गया। इस घटना से जुलूस में शामिल लोग गुस्सा गए और इस बीच समुदाय विशेष के लोगों द्वारा फिर से पथराव शुरू कर दिया गया। जवाब में दूसरे पक्ष द्वारा भी पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। दोनों ही पक्षों के बीच आमने सामने की पत्थरबाजी में लगभग 8 से 10 को जख्मी हो गए हैं। सूचना पर वाष्मी थाना अधिकारी श्यामराज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत करवाया। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए दोनों ही पक्षों को खदेड़ा। वाष्मी ने उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह का पासवान, विधायक अर्जुन लाल जीनगर भी मौके पर पहुंच गए। जिला प्रशासन द्वारा कस्बे में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर रंजन ने बताया कि हालात नियंत्रण में है। कुछ लोगों को चोटें आई थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक व्यक्ति को सिर में चोट की वजह से भिलवाड़ा रेफर किया गया है। क्या घटना हुई सर, उस पर क्या कार्रवाई? कल रात्रि को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक शोभा यात्रा जो है ग्राम पंचायत में लोगों के द्वारा निकाली जा रही थी, और वो ग्राम पंचायत जो है वो करीबन 7:30 बजे उस ग्राम पंचायत से जो रैली निकली उसमें वो मस्जिद के आगे निकल रही थी। उस समय दोनों समुदाय के बीच में जो है उसको लेकर के कहासुनी हुई, बाद में इसमें थोड़ी पत्थरबाजी भी हुई और मौके पर तुरंत सारे अधिकारी पहुंच गए। स्वयं एसपी साहब भी पहुंच गए थे, मैं भी पहुंच गया था और उनकी समझाइश भी की गई और आगे की कार्रवाई की गई। इसमें कुछ लोगों को छुटपुट चोट लगी, जो यहाँ सब सेंटर है वहां से उनको फ्री कर दिया गया था। एक व्यक्ति के सर में इंजरी थी, जिसको भिलवाड़ा भेजा गया था, जहां पर कि वो रात को ही उसको फ्री कर दिया गया था। बाद में ये सूचना जरूर प्राप्त हुई थी कि एक अन्य व्यक्ति और हैं जिनका निधन का समाचार मिला था, जिसको जब प्राथमिकी जिसके संबंध में दर्ज की गई, पर प्राइमा फेसी उसमें जो चर्चा करके यहां से सूचना प्राप्त हुई, और क्योंकि यहां गांव का कंपाउंडर है उसने भी उनको देखा था, तो ये बताया कि वो उनका हृदयघात से मृत्यु होना जो है वो प्राप्त हुआ। इस पे आगे पुलिस की तरफ से क्या कर रही है? जो सूचना हमें मिली थी उस पे तत्काल ही FIR दर्ज करके 18 व्यक्तियों को हमने इस मामले में अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो व्यक्ति शेष हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ा है, बिगाड़ने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई करके उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू।